बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न स्किल्स विद टीएस। दिस इज़ द कोर्स अबाउट एडोब फोटोशॉप 7.0। और इसकी इस वीडियो में हम लेयर के मेन्यू में जो लेयर स्टाइल है उसके बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है तमाम ये अभी शो नहीं होगा, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, तब जाके हमारा ये सारी चीज़ें शो होंगी। कंट्रोल एन प्रेस करना है तो ये आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा, न्यू पेज ओपन कर देना है एंड आपने अब जाकर इस लिस्ट में देखना है। लेयर स्टाइल अभी भी शो नहीं हो रही क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी राइट डाउन नहीं किया, कुछ भी हमने शेप्स वगैरह ड्रॉ नहीं की, राइट डाउन नहीं किया। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद लेयर स्टाइल प्रोमिनेंट हो जाएगी, उसके बाद हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जाहिर है जब कुछ होगा तभी उसकी हम स्टाइलिंग कर सकेंगे। तो यहाँ हम कुछ वर्ड्स लिख देते हैं तो उसकी हम स्टाइलिंग करेंगे कि उसको हम कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से आपने जस्ट लेयर स्टाइल में जाना है और लेयर स्टाइल के इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज ही। सबसे पहले ये जो ऑप्शन है फर्स्ट पर ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसी में ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तमाम इसी में ही मौजूद होती हैं। हम इसको जस्ट ओपन करेंगे तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ भी उसी में मौजूद होंगी। ये सारे जो भी इस मेन्यू में जो भी ऑप्शन हैं ये तमाम उसी बॉक्स में ओपन होंगे। तो इसे हम ओपन करते हैं जस्ट क्लिक, तो ये आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास बॉक्स हमारा आ चुका है और यहाँ तमाम के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से हम इसकी सेटिंग करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, अमेंडमेंट जो भी करनी हो वो यहाँ से हम करेंगे। सबसे पहले है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो इसको अगर हमने करना है तो हमने ड्रॉप शैडो पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम इसका कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर सेलेक्शन के बाद हम इसकी ओपेसिटी और एंगल वगैरह सेट करेंगे, ओके कर देना। और यहाँ से ओपेसिटी इसकी आपने कर देनी है, लाइट करनी है, डार्क करनी है। तो यहाँ से आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं कि शेडो आपको डार्क में चाहिए या लाइट में। यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं और ये जो है इसके डिस्टेंस के, आपको अपने वर्थ के ऐसे कितने डिस्टेंस पर अपना शेडो चाहिए। तो यहाँ से हम देखिए मैं कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, आई होप नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से ये आ जाएगा कुछ के, देखिए अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना तो आपने जस्ट कंट्रोल जी करना है और अगेन आपके पास ओपन हो जाएगा ये, अगर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है तो। कंट्रोल जी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। अगेन आप फिर इसमें अमेंडमेंट जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है कि हमने इसका डिस्टेंस देख रहे थे कि डिस्टेंस हमें किस डिस्टेंस में चाहिए। तो ये देखिए मैं इसको कम्प्लीटली करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर इसका चला जाता है। अगेन कंट्रोल जी करूँगी तो वापस आ जाएगा ये सब, हमारा जो बॉक्स जो फिनिश हो गया वो अगेन वापस आ जाएगा। तो कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है लेयर में जाने की और कहीं और ढूंढने की, जस्ट कंट्रोल जी करेंगे तो इस तरह का जो बॉक्स है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप शेडो को डिस्टेंस कर सकते हैं कि ज़्यादा करना है, कम करना है, कितना दूर करना है आपने, कितना पास करना है। अब नेक्स्ट है कि इसमें एंगल, एंगल आपको किस तरह चाहिए अपने शेडो का, कि लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए, अबव, बिलो, जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए, यहाँ आप अपने इसका जो एंगल है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ भी कर देंगे एंगल सेट हो जाएगा। यहाँ भी आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ जहाँ वहाँ सेटिंग करेंगे आप एंगल पर, यहाँ सेटिंग करेंगे तो वहाँ भी शो होगा। नेक्स्ट है स्प्रेड। स्प्रेड मीन फैलाओ, कितना फैला हुआ होना चाहिए आपका जो शेडो है। तो यहाँ से आप स्प्रेडनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है साइज। साइज क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा बड़ा शेडो होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसका साइज और बस आपने ओके कर देना है। तो आपका ये जो ड्रॉप शैडो है ये कंप्लीट हो जाएगा इसका वर्क।
एंड देन आपने अगर आपने कुछ और अमेंडमेंट करनी है तो ये देखिए यहाँ पे इसका टिक का निशान शो हो चुका है, हमने जस्ट ब्लेंडिंग ऑप्शन में यही वर्क किया है। जितनी हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे उन पर टिक का निशान होता जाएगा। अब यहाँ से आप इनर शेडो भी एज इट इज़ सेम एज इट इज़ कर सकते हैं, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ये तमाम चीज़ें। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन को एक बार क्लिक करेंगे तो तमाम चीज़ें आएंगी, यहाँ तमाम सेटिंग कर सकते हैं। अब ये जो है ओवरले है, कलर ओवरले, मतलब यहाँ से बाई डिफॉल्ट तो रेड ही होता है, हम कोई सा भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा पूरा जो ओवरले है, हमारा जो टेक्स्ट है उसको क्या होना चाहिए कलर, तो यहाँ से हम इसके कलर के सिलेक्शन कर सकते हैं। अब सिलेक्शन के बाद ओके कर देना है, और यहाँ से आपके आपने इसकी ओपेसिटी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं कि आपको इसकी ओपेसिटी कितनी चाहिए, डार्क में चाहिए, लाइट में चाहिए, कैसे चाहिए। तो नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री ऑटोमेटिकली रेडी आती है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें जो आपको मर्जी चाहिए आउटर बाउंड्री, एंड ओके कर देना। और यहाँ से आपने जस्ट इसका साइज इंक्रीज कर देना है। ये देखिए कंप्लीटली मैंने किया तो बिल्कुल ही स्प्रेड हो गया, तो यहाँ से इसका साइज जो है बाउंड्री का वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी जो बाउंड्री की है, स्ट्रोक की है, उसको आप बेटर कर सकते हैं कि आपको लाइट में चाहिए या डार्क में। एंड देन आपने जस्ट यही काम करना है यहाँ से, तो आपने ओके कर देना है। कलर अगेन चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी अगेन चेंज कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है ग्रेडियंट ओवरले। ये जैसे हमने पढ़ा था इमेज वाले मेन्यू में, तो ये एज इट इज़ है, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ से आपने जैसे इसको डबल टाइम क्लिक करना है, ये हमारे ग्रेडियंट ओवरले है, मतलब डिफरेंट कलर्स एक ही साथ हमें शो हों, तो यहाँ से आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसके कलर जो हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं इन पर जस्ट डबल टाइम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो कलर्स ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने ये कलर ले गया है। अब यहाँ से भी अगर डबल कलर आपको चाहिए कुछ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी वाइट अच्छा लग रहा है तो मैं इसे यही सिलेक्ट रहने देती हूँ। और आपने जस्ट अब क्या करना है, ओके कर देना है, तो ये आपका ये कलर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए अभी कोई सिलेक्शन अभी नहीं हुई, इसका एंगल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ थोड़ी देर तक। चलें यहाँ से एंगल भी आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ से साइज इसका चेंज कर सकते हैं। तो हम अभी प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज़ की कि यहाँ ग्रेडिएंट ओवरले कैसे होता है। यहाँ मैं कुछ और लिख देती हूँ और उस पर फिर हम ग्रेडिएंट ओवरले अप्लाई कर देंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, अब लेयर में जाना है, लेयर स्टाइल में, और यहाँ से आपने इसी को सिलेक्ट कर लेना है ग्रेडिएंट ओवरले डायरेक्टली, तो वही बॉक्स ओपन हो जाएगा। उनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से डबल टाइम क्लिक करें और अगेन इस पर वैसे ही करें जैसे कि मैंने बताया। आप प्लीज साथ साथ ये सारी चीज़ें करते जाया करें। तो ये देखिए मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट अप्लाई किया तो वहाँ हमारा लाइक एंड सब्सक्राइब भी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। यहाँ से इसको आप चेंज करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये चेंज हो चुके हैं। अब इसको चेंज करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है कि इसको ओके कर देना है। और तो यहाँ से कोई से भी कलर, कितने भी चाहें कलर, आप मल्टी कलर्स यहाँ से ले सकते हैं पॉइंट्स के साथ। ओके, बस अब सबको ओके कर देना है, तो ये हमारा सब हो चुका है। यहाँ से अब एंगल चेंज करते हैं। देखिए कलरिंग आप देखिएगा कि कलरिंग किस तरह हो रही है, कि हमने एंगल चेंज किया तो कलरिंग डिवाइडेड हो गई है। तो ये एंगल है कि आपको ये दोनों कलर्स किस एंगल में चाहिए, तो ये हम चीज़ जो है वो लोगो जो हम डिज़ाइन करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे, जो हमने फाइबर्स के लिए स्किल्स सीखनी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह जल्दी जल्दी ये सारे स्किल्स सीखें और इसको अप्लाई करें हम फाइवर के लिए। तो इसको जस्ट आपने ओके कर देना है, तो ये आपका ये ग्रेडिएंट ओवरले तो हो चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कि न्यू फिल लेयर, नहीं अभी इसमें रहता है, न्यू स्टाइल लेयर में भी रहते हैं हमारे अभी। तो चलें ये सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ हैं, जैसे कि मैंने ड्रॉप शेडो को अप्लाई किया। ये आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ही हैं। स्ट्रोक पैटर्न, अब अच्छा जी, अब हमारा जो रहता था वो पैटर्न ओवरले था। पैटर्न ओवरले क्या होता है, इसको हमने ओपन कर लिया है। पैटर्न ओवरले, ये आपको पैटर्न शो भी हो रहा होगा ये वाला जो है,
तो इसमें भी काफी सारे पैटर्न्स मौजूद हैं, इनमें से कोई सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो पेज है या जो भी चीज़ हमने राइटिंग है या शेप्स हैं जो भी हमने सेलेक्ट की हुई है उसको हम पैटर्न ओवरले कर सकते हैं। तो इसको हम पैटर्न ओवरले करते हैं, यहाँ से आपकी ओपेसिटी और यहाँ से इसका मोड, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं जैसे चाहे मर्जी कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये हम बिजनेस जो कार्ड्स हैं, जो स्किल है फाइवर के लिए, तो उस पे हम अप्लाई करेंगे, बिजनेस कार्ड्स बनाना सीखेंगे तो उसमें ये थोड़ा बहुत अप्लाई होगा। तो इस तरह से पहले मैं शेप ले रही हूँ, इस पर पैटर्न ओवरले करूँगी तो ये पैटर्न ओवरले इस पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो कर देती हूँ मैं, यहाँ कहाँ चला गया मेरा पैटर्न ओवरले। तो यहाँ देखिए इसकी सिलेक्शन भी हो चुकी है कि मैंने ये यूज़ कर लिया है। अब यहाँ देखिए मैंने इसको एक शेप ले ली है और इसको कर देना है जस्ट पैटर्न ओवरले ओपन करने। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके सिलेक्शन के बाद हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं कि हमें कितना ये चाहिए, बड़े चाहिए छोटे चाहिए इसके जो ये जो ड्रॉ हुए हैं पैटर्न्स, तो इसका साइज़ हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मर्जी हमारा दिल करे यहाँ से हम इसको बना सकते हैं। जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं उन पर ये पीछे लाइंस अप्लाई होते हैं तो यहाँ से वो की जाती हैं। जो बिजनेस कार्ड्स एडोब फोटोशॉप में बनाए जाते हैं वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह, और उसको हम फाइवर के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ से हमारे ये पैटर्न ओवरले तो कम्प्लीट हो चुके हैं और ये स्ट्रोक भी हम कर चुके हैं, ये तमाम हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉपी पेस्ट और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये अगेन बताने की नीड है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगी। और अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहता है लेयर स्टाइल में वो है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ग्लोबल लाइट। तो ये हमारा रहता है और ये तीनों चीज़ें रहती हैं, तीन चार। ग्लोबल लाइट क्या होती है? ग्लोबल लाइट मतलब जो हमने सारी चीज़ें अप्लाई की हैं वो उनका जो एंगल है वो किस तरफ होना चाहिए, इसमें बस यही चीज़ है कि आपको इन जो आपने इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं उनका एंगल कैसे चाहिए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं एंगल चेंज और ओके कर देंगे। मैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको करके दिखाती हूँ इस पर। अगेन मैं हम इसको ओपन कर लेते हैं, ग्लोबल लाइट, इसका एंगल अब हम चेंज करेंगे। यहाँ से हम तमाम इफेक्ट्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं उनका एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ओके कर दीजिएगा तो ये आपको प्रोमिनेंट हो जाएगा कि किस तरह से ये आना है। तो आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, जो इसमें थोड़ी बहुत ही जो सब्सक्राइब में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है मैं एंगल चेंज कर रही हूँ। तो चलिए ये हो चुका है हमारा नेक्स्ट स्टेप। हमारा ये लेयर स्टाइल तो हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं बल्कि ये रहता है क्रिएट लेयर रहता है। क्रिएट लेयर मतलब ये तो पहले आप जान ही चुके हैं, पिछली हमने वीडियोस में कर लिया है क्रिएट लेयर, न्यू लेयर बनाना, और अब हम बस ये न्यू फिल लेयर करते हैं। और जैसे कि ये सॉलिड है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, तीनों टाइप हम ओपन करके ले देख लेते हैं। पहले सॉलिड कलर, सॉलिड कलर कोई भी लेंगे तो पेज का इस तरह से सॉलिड कलर आ जाएंगे और आप कोई सा भी जो कलर है पेज का उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो कलर होगा बिल्कुल सिंपली होगा। अब नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं ग्रेडियंट के बारे में कैसे होते हैं, डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। देखिए ये जैसे कि मैंने इसे अप्लाई किया है तो ये दो कलर्स आ गए हैं, इसमें और भी डिफरेंट कलर्स हम अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि ऊपर दिए गए हैं फॉर्मेट्स दिए गए हैं, और इसको अपने ओके कर देना है। देखिए हम जैसे ये चेंज करें तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं और मिड में भी ले सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं कोई सा भी कलर, पॉइंट्स को बस आगे पीछे करने की देर है। अब नेक्स्ट है हमारा पैटर्न। पैटर्न इस पूरे पेज का भी पैटर्न हम ले सकते हैं कि हमें पूरे पेज का पैटर्न चाहिए इस तरह, जैसे करके भी यहाँ से हम बहुत सारे पैटर्न्स ले सकते हैं। बिजनेस कार्ड्स बनाएंगे तो इस तरह से हम ले लेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड जो होगा ना फिर तो वो पूरा पेज हम ऐसे ही ले लेंगे। और इसको आप जूम आउट कर सकते हैं, साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज करेंगे तो ये जो कुछ भी उस पैटर्न में होगा वो विजिबल हो जाएगा, लेकिन डिक्रीज करेंगे तो वो सारा इस तरह से शो होगा। तो ये था हमारा न्यू फिल लेयर और ये हमारा कंप्लीट हो चुके हैं न्यू फिल लेयर।
एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस लाजमी करनी है और इस साथ साथ करते जाइएगा, क्योंकि जब हमने फाइबर स्टार्ट करना होगा तो ये आपकी प्रैक्टिस हुई भी हो और तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई मसला नहीं होगा उसमें। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर न्यू हैं स्पेशली तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तमाम किस्म के कोर्सेज में अवेल करने जा रही हूँ और इनको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगी इंशाल्लाह। अब ये जो मैंने ओपन किया है सैचुरेशन वाला, यहाँ से आप सैचुरेशन भी कर सकते हैं, कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ ये तमाम चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, चेंज लेयर चैनल ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो यहाँ तक तो सिंपली हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ से सैचुरेशन का बॉक्स ओपन किया था, वहाँ से कलर मैंने इसका चेंज किया था, तो देखिए इसका जो वर्डिंग लिखी हुई है लर्न स्किल्स विथ TS, उसकी जो वर्डिंग है वो चेंज हो चुकी है, उसका कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं वहाँ से सैचुरेशन से।